चारों तरफ देखने के लिए हरियाली ही हरियाली नज़रों में आ रही है यहाँ ताल छापर में। और ताल छापर में आज मैं पूरा घूम फिर के वो दृश्य दिखाने जाऊँगा जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको कई दिनों से इंतज़ार लोग है वो कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि आपके चैनल पर ताल छापर का दृश्य है वो हमें दिखाइए। तो मैं वो दृश्य है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखने के लिए यहाँ बहुत सारे दूर दूर से पर्यटक लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं। बहुत प्रसिद्ध देखने के लिए यहाँ नज़ारा मिलते हैं। तो हमारे सामने जो इसी गांव के रहने वाले हैं गोपाल जी भार्गव है उनसे थोड़ी वातावरण परिचय करके हम आगे चले गए। गोपाल जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। गोपाल जी ताल छापर कितनी दूर में लंबा चौड़ा है इसके विषय में थोड़ी जानकारी दर्शकों को बता दीजिए। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में, तो 20 किलोमीटर में यहाँ पर हर अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के हिरणों के विषय में तो प्रसिद्ध है ही। मुख्य काले हिरण से प्रसिद्ध माना गया है। और यहाँ पर कौन कौन सी जगह है वो ताल छापर में इसी अभ्यारण्य के विषय में देखने के लिए यहाँ मिलेगी? डूंगर बालाजी है। अच्छा, साईनाथ मंदिर है। साईनाथ मंदिर डूंगर बालाजी। हाँ। उसको ये हमारे जैसे इसी गांव के रहने वाले गोपाल जी भार्गव है और हमारे रिश्तेदार भी है वो बता रहे हैं कि अभ्यारण्य के विषय में तो ताल छापर एक गोपाल जी जैसे राजस्थान में प्रसिद्ध है या पूरे एशिया में ही प्रसिद्ध है। यहाँ अभ्यारण्य क्षेत्र है वो। और डूंगर बालाजी मंदिर यहाँ इसी ताल में ही आता है क्या? ताल में डूंगर बालाजी आता है। मैं आपको ये दर्शकों पूरा वो वीडियो है वो थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। 20 किलोमीटर की दूरी में ये गोपाल जी है वो हमको बताए हैं कि जैसे ताल छापर है वो 20 किलोमीटर दूरी तक अभयारण्य के विषय में ये प्रसिद्ध है। और यहाँ अनेक तरह के खाने के जानवरों के घास है वो अभी मोती है फेमस। अच्छा, ये मोती है वो है ताल छापर के मेवा मोती जो कई दिनों पहले हमारे जैसे मार्केट में यहाँ जब ताल छापर में आते तब मोती मिलते थे वे मोती उगते हैं। तो ये मोती हैं, ये मोती इसमें खाने के लिए खोदने के बाद मोती तैयार होती हैं। और मोती भी प्रसिद्ध जैसे हिरण प्रसिद्ध है उसके विषय में पूरे उस समय प्रसिद्ध है वैसे ही मोती प्रसिद्ध है। तो गोपाल जी ये मोती मार्केट में जाते हैं? मार्केट में पहले बिक्री थे अभी हिरणों के लिए। अच्छा, अब हिरणों के लिए पहले बिक्री होते थे अभी बिक्री बंद कर दी गई है। हिरणों के लिए खाने के लिए यहाँ मोती प्रसिद्ध है। चलो आगे चलते हैं।